साथी जो है सड़क पर उतर रहे हैं युवा, उनको हक नहीं मिला, और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या उनकी बातों को उठाएंगे आप आगे तक के लिए? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल, ये मेरे लिए भी थोड़ा चिंता का विषय है जिस तरीके से वो परेशान हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उनकी जो भी मांगे हैं एक बार उनको सुना जाए, उनकी जाँच करवाई जाए, और छात्र हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनको इस तरीके से अगर परेशान हो रहे हैं तो कारण जो भी हो उनकी बातों को सुना जरूर जाना चाहिए। किसी भी कारण किसी पे भी बरसे उसका मैं पक्षधार नहीं हूँ, खासतौर पर जब छात्र हो, युवा की बात हो, तो उन पर लाठी चलाने के अलावा डायलॉग पहले साधना चाहिए। डायलॉग एक संवाद उनके साथ होना चाहिए, उनकी क्या समस्या है, उनके क्या सुझाव हैं, वो जानने का प्रयास होना चाहिए। लाठी किसी के ऊपर पड़े इसका पक्षधार मैं भी नहीं हूँ। देखिए, हर कोई अपनी तरफ से अपना अपना प्रयास कर रहा है अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का। हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, और मेरा एक ईमानदार प्रयास है कि भैया अब हम लोग को सिर्फ विकास की बात करनी है, हम लोग को सिर्फ बिहार को बनस्पत दूसरे राज्यों के नंबर वन राज्य बनाना है, और बिहार में हर वो सामर्थ्य है, हर वो क्षमता है कि हम इसको नंबर वन राज्य बना सकें। बस उस बातों को लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे। दो युवा एक साथ एक विकास की बात कर रहा है, बात बिहार की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर उतर गए, क्या लगता है बिहार में प्रशांत किशोर आपके सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अंतोगत्वा जनता के हाथ में निर्णय होता है। जब चुनाव आएंगे जनता समझेगी खुद कि किसकी बात कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से जनता को समझा पाया, जनता तक अपनी बातों को पहुंचा पाया। मेरी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है इस यात्रा को लेकर, ये यात्रा मेरी एक अपनी सोच है, मैं अपनी सोच के साथ जनता के बीच जा रहा हूँ। ये किस तरीके का आरोप है? मतलब लिट्टी चोखा वो खा रहे हैं, वो इम्प्रोम्प्टू अगर पहुंचे हैं किसी एक स्टॉल पे, गए वहाँ पे उनको पसंद आया और खा रहे हैं, इस पे मुझे नहीं लगता कि किसी के अब खाने पीने पे भी अगर अब राजनीति शुरू हो जाएगी तो फिर बहुत ही गलत है।